हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी पांडा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरीके से हम कॉन्स्टेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉपिंग कॉन्स्टेंट्स इन ओरेकल। ओके, टेबल से हम कॉन्स्टेंट किस तरीके से ड्रॉप कर सकते हैं आज मैं आपको बताऊंगा। तो ड्रॉप करने का सिंटैक्स ये है, सिंटैक्स में बताता हूँ आपको। अल्टर टेबल, टेबल नेम, ओके, और आफ्टर डैट आपको ड्रॉप लिखना पड़ेगा और कंस्ट्रेंट का नाम देना पड़ेगा। कंस्ट्रेंट नेम कि कौन से कंस्ट्रेंट को आप ड्रॉप करना चाहते हो। ओके, तो हमारे पास एक टेबल है DSC स्टूडेंट 11 सैम्पल, ये नाम का एक टेबल है हमारे पास। अब मैं ड्रॉप करने वाला हूँ ये नॉर्टनल कंस्टेंट। नॉर्टनल कंस्टेंट ड्रॉप करने वाला हूँ मैं EMP NO कॉलम से। तो किस तरीके से ड्रॉप कर सकते हैं, तो ड्रॉप करने से पहले हमें उस कंस्टेंट की आईडी पता रहनी चाहिए कि वो कंस्टेंट की आईडी क्या है। तो कंस्टेंट की आईडी हम किस तरीके से पता कर सकते हैं, और कंस्टेंट की आईडी अगर जब तक आपको पता नहीं रहेगा तो आप उसे ड्रॉप नहीं कर सकते हो। ओके, नाउ मैंने कंस्टेंट आईडी पता रखने के लिए एक टेबल के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिसका नाम है यूजर कंस्टेंट। क्या है यूजर कंस्ट्रेंट्स? ये टेबल में जितने भी कंस्ट्रेंट होते हैं टेबल में लगे हुए, ये उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। तो अगर मैं देखना चाहता हूँ कौन सा कंस्ट्रेंट है हमारे टेबल में, स्टूडेंट 11 टेबल में, तो किस तरीके से देख सकते हैं। सेलेक्ट कंस्ट्रेंट नेम, CONSTRAINT, कंस्ट्रेंट नेम, ओके, टाइप भी मैं आपको दिखाता हूँ। टाइप फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, यूजर कंस्ट्रेंट्स, वेयर टेबल नेम क्या है, टेबल नेम इक्वल्स टू स्टूडेंट 11 अंडरस्कोर सैंपल। ओके, इनवैलिड आइडेंटिफायर बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने डबल इनवर्टेड कॉमा यूज कर दिया है। मैंने रन करवाया, टाइप एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है, आई थिंक इसमें टाइप नहीं है, कंस्टेंट टाइप है। तो आपको सही कॉलम नेम डालना पड़ेगा, कंस्टेंट टाइप फ्रॉम यूजर कंस्टेंट्स वेयर टेबल नेम इज स्टूडेंट सैंपल। तो देखो कितने कंस्टेंट हमारे टेबल में लगे हुए हैं। एक कंस्टेंट प्राइमरी की का लगा हुआ है, दो दो कंस्टेंट नॉटनल के लगे हुए हैं, ओके, और एक कंस्टेंट जो है वो लगा हुआ है फॉरेन की का। ओके, नो, अगर मुझे ड्रॉप करना है कोई कंस्ट्रेंट तो मैं कैसे ड्रॉप कर सकता हूँ। लेको लाइक वाइज मेरे प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट ड्रॉप करना है तो मैं ड्रॉप कर सकता हूँ अल्टर टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट 11 सैंपल। ओके, ड्रॉप
कंस्ट्रेंट, और कंस्ट्रेंट का नंबर क्या था, कंस्ट्रेंट नेम ये था ड्रॉप कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम दे दिया हमने, ओके सेमी कॉलन इंटर। तो टेबल अल्टर हो चुकी है, अब टेबल के स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखो वो जो प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट था वो ड्रॉप हो चुका है। तो इस तरीके से आप कोई भी कंस्ट्रेंट अपने टेबल पे टेबल से ड्रॉप कर सकते हो। तो आपके लिए आज की टास्क है कि ड्रॉप द कंस्ट्रेंट ऑफ फॉरेन की फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट 11 सैंपल, ओके इस टेबल के स्टूडेंट 11 सैंपल से आप इस कंस्ट्रेंट को ड्रॉप कर दो, ओके दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।